इधर रायपुर से अहम खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष और अंदाज महंत के बयान पर बोले अमरजीत भगत, बड़े नेताओं के बारे में हमें ज्यादा बोलना सूट नहीं करेगा, किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी, परिणाम की सभी लोग इससे डिप्रेस हैं। तो बड़े नेताओं के बारे में हमें बोलना सूट नहीं करेगा, किसी को भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर अमरजीत भगत ने कहा है कि बड़े नेताओं के बारे में हमें ज्यादा बोलना सूट नहीं करेगा और किसी को भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और अब जिस तरह से चरणदास महंत ने अपनी बात रखी मीटिंग में, उसे लेकर अब अमरजीत भगत भी कह रहे हैं कि जिस तरह का परिणाम आया उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। देखिए सोनल जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से परिणाम आए हैं उसके किसी ने उम्मीद नहीं किया था, और ये परिणाम जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनाव में गड़बड़ियों करके लाया गया है। और चुनाव में जब हार होती है, स्वाभाविक सी बात है थोड़ी सी निराशा तो जरूर होती है, पर हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हताशा में नहीं है। हम तब फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और पूरी उम्मीद के साथ, पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लोकसभा में बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में छत्तीसगढ़ में आएंगे। और निश्चित तौर पर जब कहीं कुछ बातें होती है तो एक मन में थोड़ा सा टीस होता है, एक पीड़ा होती है, एक दुख भी होता है, और हम सब जल्दी उस दुख से उबर कर चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी कहते हुए नजर आए धनंजय जी, मैं हूं आपके साथ श्वेता, और ये भी वो कहते हुए नजर आए कि बड़े नेताओं के बारे में हमें कुछ बोलना नहीं होगा, इन्हें सूट नहीं करता है, तो क्या मायने हैं इसके? देखिए हमारे, देखिए श्वेता जी माफ कीजिए, मैंने सोनल जी कह दिया था, श्वेता जी बड़े नेता है, हमारे वरिष्ठ नेतागण है, हमारे सब मार्गदर्शक है, हम सब उनके निर्देश पर काम करते हैं, उनके बताए जो विजन उस पर काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबको उन पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। और हम सब कार्यकर्तागण हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में हम जुटे हुए हैं और उत्साह के साथ, पूरी ताकत के साथ हम लोकसभा में बेहतर परिणाम लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जी, बड़े नेताओं से मतलब किसका निकाला जाए? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें सूट नहीं करता है, नहीं बोलना चाहिए, अंदरूनी स्तर पर कहीं ना कहीं कोई नाराजगी है नेताओं से? नहीं, कोई नाराजगी की बात नहीं, बात ये मान सम्मान का है, बात ये वरिष्ठ नेताओं से मिले निर्देशों का और मार्गदर्शन का है, तो उसमें हम टिकट टिप्पणी करते हैं, उनके मार्गदर्शन पर हम काम करते हैं, उसका जो निर्देश प्राप्त होता है उसे पालन करते हैं, इस विषय से इस संदर्भ में सारी बात कही गई होगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरजीत भगत ने क्या कुछ कहा है वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बड़े नेताओं के बारे में ज्यादा हमको बोलना सूट नहीं करेगा, लेकिन किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी, परिणाम विपरीत आया, सभी लोग इससे डिप्रेस हैं। डिप्रेस है। हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, राजू चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजू जी स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। और अमरजीत भगत जी का जिस तरह से बयान सामने आया कि बड़े नेताओं के बारे में हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, इन्हें सूट नहीं करेगा कुछ भी बोलने का, क्या कहेंगे आप? चक्रवर्ती जी आप सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ, देखिए जो बिल्कुल जो बयान आया है अमरजीत भगत जी, उसके पहले भी बयान दे चुके हैं कि सब लोग अपने चुनाव में अपने क्षेत्र में लगे रहे, किसी नेताओं ने सुध नहीं ली बाकी नेताओं की, तो ये एक पीड़ा दिखलाई पड़ती है। अमरजीत भगत जी सत्य कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ी तो सब अपने अपने क्षेत्र में लड़े, तो वो उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त की, और चरणदास महंत ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की कि हम किसी को सामना करने के लायक नहीं रहे, तो ये कांग्रेस की हताशा निराशा दिखलाई पड़ती है। और जनता के प्रति जो कमिटमेंट था पिछले 5 वर्षों में वो केवल भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी और घूसखोरी में तब्दील हो गया, तो ये बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी का जिस एक विराट इतिहास रहा है, इतने पुरानी इतिहास रही है, लेकिन उसके बावजूद वो सूबे में सत्ता से चले गई, वो सूबे में जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर सकी और केवल भ्रष्टाचार में। धनंजय जी आपका काउंटर, आप कुछ कहेंगे राजीव जी की बातों का? देखिए राजीव जी को तो ये बताना चाहिए कि जो किसानों से जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी वो 31 अक्टूबर के बाद कब देंगे, कांग्रेस पे आरोप मत लगाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में धान की मत 3100 देने का तैयार हुई है ना, ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों के हित में के कामों का कारण और नतीजा है, तो बेहतर ये होगा कि राजीव जी मोदी सरकार के उपलब्धि बताएं और अपने सरकार में कब काम हो बताएं, और कांग्रेस में एकजुटता के साथ हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं,
मैंने कहा ना कि निश्चित तौर पर हार होती है तो थोड़ी सी निराशा भी होती है, थोड़ी सी दुख के भाव भी आते हैं, थोड़ी सी मन में पीड़ा भी होती है, और हम सब कार्यकर्ताओं नेतागण इस भाव से बाहर निकलकर, इस भाव से उबर कर एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव के बेहतर परिणाम की ओर लाने के लिए काम कर रहे हैं। पूरा हमें उम्मीद है कि हम इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम लाएंगे, और जनता भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के कामों से काफी नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी उसके भी काम से बहुत जल्दी जनता में नाराजगी और आक्रोश उभर रहा है। निश्चित तौर पर हम एकजुटता के साथ आगे आएंगे और इस जो निराशा के जो भाव है वो उससे कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर निकल रहे हैं और एक उत्साह के साथ लोकसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं। उत्साह है और निराशा के भाव से आगे हम बढ़ रहे हैं। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े थे, राजीव जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो चरणदास महंत ने अपनी बात जैसे ही रखी उसके बाद सन्नाटा हालांकि पसर गया और उसके बाद माहौल गंभीर हुआ, लेकिन सचिन पायलट जो प्रदेश प्रभारी हैं इस वक्त कांग्रेस के, उन्होंने मोर्चा संभाला और राजनीति में हार जीत का जिक्र उन्होंने कर दिया और ये भी कहा कि कभी भी हमें राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आगे हमें लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है।